दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में कोफारेस्ट सिरप के बारे में। भाई क्या है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, किस तरह से काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए कोफारेस्ट सिरप एक ब्रांड नेम है सेंटोर कंपनी का, सेंटोर कंपनी बनाती है, लगभग हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है, तो ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। दोस्तों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात रहे भाई कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम में चलाई जाती है, तो दोस्तों ये एक पीने की सिरप आती है, खांसी की प्रॉब्लम में दी जाती है बड़े लोगों में। अगर कफ वाली खांसी है, मुकस वाली खांसी है, तो वहाँ दी जाती है, ब्रोंकोडिलेटरी प्रॉब्लम में, COPD प्रॉब्लम में, मुकोलाइटिक प्रॉब्लम में, एक्सपेक्टोरेंट ये आती है। कई बार बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है फेफड़ों में, निकल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, दर्द होने लगता है, इतनी खांसी आती है, तो वहाँ दी जाती है। सूखी खांसी है, एलर्जी वाली खांसी है, वहाँ ये काम नहीं करती, वहाँ आपको DX लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर डेक्सामेथोरफेन होता है। ये सिर्फ गीली खांसी में, वेट कफ में दी जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर अस्थमेटिक एलर्जी है, रात को छाती के अंदर तय तय की आवाज़ आती है, अस्थमा है, बहुत ज़्यादा कफ है, बलगम है, वहाँ दी जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों गले में कफ है, नाक में कफ है, नाक बंद रहता है, वहां पर भी ये दे सकते हैं। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं 3 सोल्ट। पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है टर्बोटालिन और तीसरा है ग्यूफेंचिन। एम्ब्रोक्सोल ब्रीथिंग को इजी करता है, टर्बोटालिन एक्सपेक्टोरेंट है, श्वास नली को चौड़ा कर श्वास नली से कफ को क्लीन करता है। ग्यूफेंचिन दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को पतला और ढीला करके खांसी के थ्रू, लूज मोशन के थ्रू बाहर निकालता है, तो इस तरह से काम करती है। डोज की बात करें तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है खाने के बाद, मैक्सिमम दिन में 3 बार ले सकता है। बात करें भाई साइड इफेक्ट के बारे में, तो देखिए एलोपैथिक मेडिसिन है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नींदारे में दिक्कत होना, सर में दर्द होना, या सर भारी होना, वोमिटिंग वगैरह होना, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते, बहुत ही कम चार्ज में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी बस यही है कि डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है या ब्रेस्ट फीडिंग में है तो वहाँ पर भी डॉक्टरी सलाह ले लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।